गंगा जी का जल कभी खराब क्यों नहीं होता? इसके दो कारण बताऊंगा, एक मेन और एक सेकेंडरी कारण। सेकेंडरी कारण ये है, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि संसार की अन्य नदियों की तुलना में गंगा जी में 25% अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। मेडिसिनल प्लांट्स अपना हर्ब्स गंगा जी में छोड़ते हैं तो उसका असर रहता है, तो इस कारण से इनका जल खराब नहीं होता है। ये भी एक कारण है, सेकेंडरी कारण जो साइंटिस्ट लोग बताते हैं। परंतु इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है, गंगा जी इस जगत की है ही नहीं। इस जगत की जो चीजें वो कभी ना कभी खराब होती है, कुछ ना कुछ होता है, पर गंगा जी इस जगत के बाहर से आई है। बोले इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम में श्री शुक उवाच, तत्र भगवतः साक्षात् यज्ञलिंगस्य विष्णोर् विक्रमतो वामपादाङ्गुष्ठनख निर्विन्नोर्ध्वनघटाः विवरेणान्तः प्रविष्टा या बाह्य जलधारा तथैव अलकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिगूटान्यतिक्रम्य हेमकूटाद्धेमकूटान्यतिरपतरं हस लुठयन्ति भारतमविवर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिमपि प्रविशति अस्यां स्नानार्थं च गच्छतः पुंसा पदे पदे सुमेधतात् सुयादीनं फलं न दुर्लभमिति। जब भगवान वामन ने बलि महाराज से जो दान मांगा था 3 पग भूमि का, हुआ क्या कि जब भगवान ने पग नापने के लिए जब चरण उठाया, उनके चरण से ब्रह्मांड का भेदन हो गया, ब्रह्मांड में एक विवर छिद्र बन गया। जब वो छिद्र हुआ तो उसके बाहर से जो जल आया, बाह्य जलधारा प्रविष्टा, वो बाह्य जो जलधारा थी वो प्रविष्ट हो गई अंदर, और उस जलधारा ने भगवान के चरण धोते हुए वो जलधारा नीचे आई और वो भगवान का चरणामृत भी कहलाई, और वही जलधारा आगे जाकर के सुमेरु पर्वत पे नीचे गिरी, और सुमेरु पर्वत से होकर के उसकी 4 धाराएं होगी, सीता, भद्रा, चक्षु, अलकनंदा। तो हमारे पास तथैव अलकनंदा, वो अलकनंदा नाम की धारा जो है लुटयंती भारतम अभिवर्षम, लुढ़कती हुई भारतवर्ष में आ गई। तो भारतवर्ष में जो होते हैं ना गौमुख से, तो वो गौमुख में उससे पीछे से वहां से सुमेरु पर्वत पे से आ रही है, और सुमेरु पर्वत के आगे से गौमुख से आ रही है, हमारे भारतवर्ष में यहाँ प्रवेश कर गई। वो भारतवर्ष में प्रवेश करती हुई वो जलधारा है, तो भगवान के धाम से ये जलधारा आई है, इस जगत की नहीं है, इस जगत से परे आध्यात्मिक जगत से। इसलिए गंगा जी साधारण जल नहीं है, वो स्पिरिचुअल वाटर है, वो नॉर्मल वाटर नहीं है, वो स्पिरिचुअल वाटर है, और आध्यात्मिक वस्तु कभी खराब नहीं होती। तो गंगा जी भी आध्यात्मिक है, चिन्मय है, ऐसी नहीं है कि कोई साधारण है। और फिर वही गंगा जी आगे जाकर के भारतवर्ष से होकर के भारतवर्ष में जो बहती हैं, इसलिए गंगा जी का जल कभी खराब नहीं होता, क्योंकि वो इस जगत की नहीं, इस जगत की वस्तु है। हम खाना बनाते हैं सड़ जाता है, हम पानी भरते हैं टंकी में, साफ ना करें तो कुछ साल बाद, कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ जाता है। पर गंगा जी में ऐसा कभी आपको देखना नहीं होगा। 10 साल पहले पुराना गंगा जल भी रखा होगा तो उसमें भी कभी आपको कीड़े नहीं मालूम पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक जल है, ये साधारण जल है ही नहीं, ये भगवान के चरणों का चरणामृत है। हरि चरण अनुशोभनि का ससुर सरी ब्रह्म कमंडल आई, और फिर ब्रह्म कमंडल आई, ब्रह्मा जी के कमंडल से आगे जाकर के शिव जी की जटाओं में प्रवेश कर गई, वही गंगा जी हैं। इसलिए गंगा जी का जल कभी खराब नहीं होता।